हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है हमारे गांव का एक जामुन का पेड़ और उसके नीचे तालाब है और ये जो पेड़ है काफ़ी पुराना है और अंदर से खोखला हो चुका है बिल्कुल। तो यहां पे देखिए एक पंछी तड़फड़ा रहा है, लगता है ये कोई तकलीफ में है। तो ये लगभग 2 घंटे से यहाँ पे परेशान है पंछी, तो हमने सोचा इसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस हम इस पेड़ पर अभी, ये देखिए नीचे कितने सारे बच्चे हैं और हम पेड़ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए लगभग ये ज़मीन से लगभग 40 से 50 फुट की ऊंचाई पर है और उस पेड़ पर हमने 20 मिनट के मेहनत मशक्क़त के बाद उस पेड़ पर हम चढ़ के आए हैं। और ये देखिए उस पंछी के पास हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए। और ये नज़दीक से देखा तो ये कौवा है शायद। और ये और थोड़ा नज़दीक इसके चलते हैं, देखते हैं किस चीज़ में फंसा है, किसी डाली में फंसा है या। तो काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम, यहाँ से थोड़ा डर भी लग रहा है, कम से कम 50 फुट की ऊँचाई पर। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं कौवे के। और ये देखिए एक मंझा में फंसा हुआ है, धागे में फंसा हुआ है, जो चाइनीज़ धागा होता है काफ़ी मजबूत होता है, इसी धागे में ये फंसा हुआ है। इसका दाहिना जो पंख है वो इसी में फंसा हुआ है कम से कम। ये देखिए नीचे बहुत सारे बच्चे हैं देख रहे हैं इसको, और इसका जो पंख है वो डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से, वो काफ़ी परेशान है। तो इसको हम छुड़ाएँगे ज़रूर। जब हम इसके पास में आए तो कौवा और ज़्यादा परेशान हो गया है, इसको लगता है कि हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, लेकिन हम कोई नुकसान इसको नहीं पहुंचाएंगे, इसकी जान बचाने के लिए ही आए हैं। तो धागे को हम तोड़ते हैं यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा कौवा परेशान हो चुका है यहाँ पे, और इस समय और ज़्यादा डर रहा है, इसको लग रहा है आसमान से गिरे खजूर में अटके। एक तो परेशानी में है ही है और इसको लग रहा है कोई पकड़ने। और फिलहाल हमने धागा यहाँ पर तोड़ दिया है देखिए गाइस, और कौवा नीचे जा चुका है। तो हम पेड़ से नीचे उतर आए हैं, नीचे जो तालाब है थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी है उसमें, लेकिन गंदगी को ना देखते हुए कौवे की जान बचाने के लिए हमने इसमें अपने पैरों को डाल दिया है गंदगी को ना देखते हुए। और फिलहाल जो कौवा है वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पा रहा है क्योंकि उसके जो पंख है वो डैमेज हो चुके हैं और इन्हीं झाड़ियों में घुस गया है आके। उसको पकड़ेंगे ज़रूर, नहीं तो कोई कुत्ता बिल्ली मार देगा। ये देखिए निकल के यहाँ लकड़ी पे बैठा है और ये ज़्यादा लंबी ऊंचाई नहीं भर पा रहा है। और देखिए उधर से बच्चों को हमने भेजा है कि इनको उधर से उड़ाओ, तो हम इधर पकड़ते हैं। तो ये देखो ज़्यादा लंबी ऊंचाई उड़ान नहीं भर पा रहा है, इसके लिए यहाँ से जंगल झाड़ी में जाके घुस चुका है। तो फिलहाल हमने एक बोरी मंगाई, बोरी मंगाने के बाद कम से कम आधा घंटा मेहनत किया, मशक्क़त किया, तब जाके इसका रेस्क्यू हम कर पाए हैं। तो फिलहाल इस कौवे को हमने पकड़ लिया है, अब इसको ले चलते हैं घर पर, देखते हैं कहाँ कहाँ चोट आई है। अगर ज़्यादा चोट होगी तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इलाज करेंगे, कोशिश करेंगे बचाने की इसको, और 1-2 दिन अपने घर पे रखेंगे क्योंकि जो इसके पंख हैं वो डैमेज हो चुके हैं, इसके लिए हवा नहीं भर पा रहा है, इसके लिए उड़ान नहीं भर पा रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, गाँव के बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए कौवा को नज़दीक से। कौवा महाराज को बोरी से पकड़ के रखे हैं, और ये देखिए यहाँ पर कलुआ भी आया है देखने के लिए, कलुआ भी कौवा देखने आया है। तो बोरी से इसलिए पकड़े हैं क्योंकि हमारे ऊपर हमला ना करने पाए, नहीं तो काट लेगा। इसको ये नहीं पता है कि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसको तो यही पता होगा कि हमको ये नुकसान करने वाले हैं, मारने वाले हैं। तो फिलहाल हम अपने घर में इसको लेकर आ गए हैं, अब यहाँ पर रखेंगे, कम से कम 2-3 दिन तक इसको खिलाएँगे पिलाएँगे, थोड़ा बहुत इलाज करेंगे जो भी करने वाला है। और 1-2 दिन में जब इसका जो डैमेज हुआ पंख है थोड़ा सही हो जाएगा, तब थोड़ा इसको उड़ने के लिए छोड़ेंगे, नहीं तो कोई बाज चील या बिल्ली कौवा इसको मार सकते हैं। तो गाइस 2 दिन रखने के बाद कौवे को देखे हमने बाहर निकाला है, इसको एक पिंजरे में बंद करके रखे थे हम, 2 दिन के बाद इसको बाहर निकाले हैं हम। और देखने में तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका जो पंख डैमेज हुआ था वो सही हुआ है, उसकी भरपाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है ये, तो इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। गाइस आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से कहीं पे बेजुबान पंछी पशु को पाएं तो उनकी मदद ज़रूर करें। तो फिलहाल इसको हम उड़ा के यहाँ से ट्राई करते हैं। ये देखिए देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उड़ नहीं पाएगा,
क्योंकि दो दिन से बंद है, इसको उड़ने को मिला नहीं, इसका व्यायाम हुआ नहीं है, इसके लिए पूरी तरीके से सुस्त हो चुका है ये। तो फिलहाल हमने कौए को उड़ाने की कोशिश की, छत पे बैठाए तो यहाँ पे देखिए तार पर आ गया है। तो अब यहाँ से ये उड़ान भर लेगा और हमको लगता है यहाँ से अब ये उड़ जाएगा। थोड़ा ट्राई मारते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके नज़दीक जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। और तो गाइस कौआ महाराज उड़ चुके हैं, उनकी जान बच गई और हमें भी खुशी हुई कि हमने एक पंछी की एक कौए की जान बचाई। धन्यवाद।